हे गाइस वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो देखिए उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 58 है और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखिए आपका एग्जाम है वन रक्षक का 16 फरवरी को तो उसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है इसके साथ साथ जो सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज आ रही है उसको भी आप फॉलो करें ठीक है तो आज यहाँ पे देखिए भाग फिफ्टी में भी काफी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपना स्कोर कमेंट करें यदि आप फिफ्टीन प्लस स्कोर कर रहे हैं तो इट मींस आपकी तैयारी बहुत अच्छी है उत्तराखंड पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है और आप एग्ज़ाम क्रैक करने के बिल्कुल निकट स्थित हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था तो कॉमन पिकॉक ये तितली की ही एक वैरायटी होती है दोस्तों और इसको कब राज्य तितली घोषित किया उत्तराखंड ने एंड ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2016 2016 में कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया देखिए तितली से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों राज्य में जो तितली संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थित है तो तितली संग्रहालय की लोकेशन है भीमताल में ठीक है और इस संग्रह संग्रहालय की स्थापना किसने की थी फ्रेडरिक स्मेटा ने यह भी ध्यान रखें फ्रेडरिक स्मेटा ने इसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था तो भीमताल में है तितली संग्रहालय फ्रेडरिक स्मेटा 550 से अधिक तितलियों की प्रजाति यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको और कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था 2016 में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ काली कुमाऊं क्षेत्र में पहला भू बंदोबस्त किसने किया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए दोस्तों जैसा आज के डेट में यूके ट्रिपल एस का ट्रेंड है दोस्तों बहुत ही यूनिक क्वेश्चन वो पूछता है अपने एग्जाम में उत्तराखंड संबंधी जैसा पहले के एग्जाम या यू बी टी आर के एग्जाम की मैं बात करूँ जो प्राविधिक शिक्षा परिषद करवाता था परीक्षा वहाँ पे काफी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते थे उत्तराखंड के आज का कंपटीशन इतना हाई हो चुका है अभी आप एक दिसंबर को जो हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था मैं अगर उसका एनालिसिस करूँ तो काफी क्वेश्चन यूनिक थे उसमें और ज्यादातर क्वेश्चन जो आए थे अभी मॉडर्न हिस्ट्री के वो डॉक्टर अजय श्या रावत जी की पुस्तक से आए थे और उसी पर बेस्ड हमारा एक कोर्स चल रहा है आज की डेट में ब्रिटिश गढ़वाल तो आपको उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है एक एक पॉइंट को

अगला देखिए असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊँ कमिश्नर कौन थे अच्छा क्वेश्चन है तो देखिए असहयोग आंदोलन पूरे भारत में इसको शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन ठीक है और उत्तराखंड में भी इसकी काफी अच्छी लहर देखने को मिली थी उस समय और तत्कालीन अगर कमिश्नर की मैं बात करूँ तो वो था परसी विंडम ऑप्शन सी इसका सही आंसर है पी विंडम या पर्सी विंडम उस समय तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर था देखिए दोस्तों जो आंदोलन उत्तराखंड में घटित हुए वो वन आंदोलन हो या जल आंदोलन हो या साथ ही असहयोग आंदोलन हो कुली बेगार आंदोलन हो अधिकतर आंदोलन जो घटित हुए वो परसी विंडम के टाइम पर ही घटित हुए थे परसी विंडम का जो कार्यकाल था दोस्तों वो था 1914 से लेकर 1924 तक इस बीच काफी आंदोलन हुए और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ उत्तराखंड में जिसको हम जानते हैं कुली बेगार आंदोलन और जिसका अंत भी इसी के टाइम पे हुआ था बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर चालीस हजार लोगों की भीड़ को लीड कर रहे थे कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे जी और वहां पर कुली बेगार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को फाड़ नदी में बहा दिया गया था यहीं पे अंत हुआ था तो आंदोलन संबंधी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है एग्जाम में कनेक्ट भी नहीं होता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं परसी किंगडम के साथ इसके टाइम पे सर्वाधिक आंदोलन हुए थे कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में अगला देखिए कत्यूरी शासन में उत्तराखंड में किस वर्ग का सर्वाधिक उत्थान हुआ था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो देखिए कत्यूरियों का जो शासन था दोस्तों उसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है बहुत अच्छा प्रशासन इन्होंने उस समय बनाया था और बहुत ही अच्छी यहाँ पे लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की थी बहुत ज्यादा खुश थे जैसा राम राज्य की हम कल्पना करते हैं ना वैसा ही राम राज्य था कत्यूरी शासन में ठीक है और लेकिन थोड़ा यहाँ पे माइनर पॉइंट ये था कि कत्यूलियों ने ज्यादातर जो फोकस किया वो केवल ब्राह्मण वर्ग पे किया ऑप्शन सी इसका सही आंसर है केवल ब्राह्मण वर्ग का सर्वाधिक उत्थान हुआ था कत्यूली टाइम पे ठीक है नेक्स्ट देखिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊ हिमालय के लेखक कौन है तो दोस्तों देखिए जैसा कि आजकल यूके ट्रिपल एस का ट्रेंड है ये डायरेक्टली जो इजी बुक्स नेम है उनको ना पूछकर काफी डिफिकल्ट बुक्स को पूछ रहा है या बुक्स से संबंधित फैक्ट को पूछ रहा है फॉर एग्जाम्पल जो आपका एक दिसंबर को हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था वहाँ पे सिंपली ये बोला गया था कि पहली बार अंग्रेजी भाषा में कुमाऊं गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा था तो वहाँ पे देखिए जो पातीराम जी थे पातीराम जी की बुक का नाम न पूछ कर, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था उनकी एक बुक है ना गढ़वाल एनशियंट एंड मॉडर्न ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन बने तो उस हिसाब से इस तरह की जो बुक्स हैं ठीक है बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर मैं बात करू इस बुक के लेखक की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं हिमालय तो इसको लिखा है दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ठीक है ए के मित्तल जी ने लिखी है ये ठीक है ए के मित्तल जी जो कि मैं उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर में भी आपको करवा चुका हूं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को ग्रीन बोनस के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है देखिए हाल में ही उत्तराखंड को ग्रीन बोनस अवेलेबल करवाया गया था ठीक है बहुत बड़ा अमाउंट था और ग्रीन बोनस देखिये जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान है या सिंपली बोल सकते हैं पर्यावरण का जो योगदान हमारे पूरे देश में दे रहे हैं जो राज्य उनको ये ग्रीन बोनस दे, दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल देखिए उत्तराखंड पूरा वनाच्छादित तो एक प्रदेश है उत्तराखंड में सदा नीला नदियाँ बहती हैं जिसका पूरे भारत को भी लाभ हो रहा है तो ऐसे ही प्रदेशों को ग्रीन बोनस प्रोवाइड करवाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए दो प्रतिशत ठीक है तो दो प्रतिशत ग्रीन बोनस मिलता है टोटल का ठीक है टोटल बजट होता है जो अगला देखिए राज्य की कौन सी नदी महासीर मछली हेतु प्रसिद्ध है तो बताइए यहाँ पे राज्य की कौन सी नदी है जहाँ पे महासीर मछली मिलती है एंड दी राइट आंसर है जो ऑप्शन है काली नदी ठीक है काली या शारदा नदी ये देखिए यहाँ पे एक मछली की प्रजाति होती है महाशीर ठीक है बहुत सी बहुत ही बड़ी मछली होती है ये और देखा जाए तो काफ़ी बड़े पैमाने पे शिकार भी होता है इस मछली का क्योंकि बहुत ही पौष्टिक ओमेगा थ्री वाले जो आ, तत्व पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसमें रिच होती है ये और बहुत फेमस है यहाँ पे काफ़ी लोग आखेट भी करते हैं इसका और एक स्पेशली बोलो तो काली नदी पे एक इसके संदर्भ में एक टूर्नामेंट भी आयोजित होता है जहाँ पर महाशीर मछली का ही स्पेशली आखेट किया जाता है ठीक है तो आपको याद रखना चाहिए काली नदी फेमस है महाशीर मछली हेतु अगला है देखिए प्रसिद्ध कुमाऊ हिल कहाँ स्थित है ठीक है तो कुमाऊं हिल की लोकेशन बतानी है दिए गए विकल्पों में आपने कहां पे लोकेटेड है एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर ठीक है तो इसमें बिल्कुल भी आपने कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों कुमाऊं हिल सोचकर आप कहीं कुमाऊं के किसी जनपद को पिक मत करना एग्जाम में क्योंकि कुमाऊं हिल उत्तराखंड में नहीं है ठीक है कुमाऊं हिल की लोकेशन है दोस्तों जे एंड के में वहाँ पर स्थित है और देखिए कुमाऊँ हिल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी जब एक वॉर हुआ था नाइन्टी नाइन में जिसको हम बोलते हैं एल कारगिल वॉल वॉर हुआ था जो ठीक है यहाँ पे कुमाऊँ हिल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी जिसने मूवी देखी होगी आई होप वो लोग समझ पाए होंगे सिंपली याद रखना आपने कुमाऊँ हिल लोकेटेड इन जे एंड के नेक्स्ट देखिए काली नदी पर शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था ठीक है यहाँ पर शारदा हो गए मिसप्रिंट हो गया तो शारदा नहर कब बनी थी तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1928 तो 1928 में हुआ था निर्माण काली नदी पे शारदा नहर का राज्य का मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ठीक है तो देखिए राज्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार साथ ही प्रकृति के चितेरे कवि राज्य में सूर्यकांत त्रिपाठा निराला के समक्ष कवि ऐसे क्वेश्चन बनने आज की डेट में कौन है तो आपको ये सभी फैक्ट पता होने चाहिए और ख़ासकर जो लोग उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार या उत्तराखंड के प्रमुख विभूतियाँ फॉलो करते हैं तो उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी तभी मैं बोलता हूँ उन सीरीज जो चल रही है उनको बिल्कुल स्किप ना करें आप ठीक तो है तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है राज्य में इलाचंद्र जोशी जी को ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ठीक है हिलाचंद्र चंद्र जोशी जी के बहुत से फेमस यहाँ पे उपन्यास हैं ठीक है घृणामयी है लज्जा है जहाज का पंसी है और इसके साथ साथ देखिए इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी थी हस्तलिखित जिसको हम जानते हैं सुधाकर नाम से ठीक है इन्होंने सुधाकर नाम से एक हस्तलिखित पत्रिका भी लिखी थी और इनको बोला जाता है राज्य का मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ठीक है ध्यान रखें ध्यान रखेंगे साइकोलॉजिकल नोवलिस्ट कह सकते हैं यहाँ पर अगला देखिए इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइए इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक ये किसने लिखी है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी श्री राम गोपाल ठीक है तो श्री राम गोपाल जी ने लिखी है ये इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल ठीक है यहां पे आपको याद रखना है तीन देशों के बारे में इसमें तीन देशों के जो संबंध है उनसे संबंधित तथ्यों को रखा गया है इसलिए इस पुस्तक को ऐसा टाइटल दिया गया है ठीक है ध्यान रखेंगे अगला देखिए भोटिया जनजाति में प्रचलित अर्जी क्या है तो भोटिया जनजाति में प्रचलित है अर्जी ये क्या होती है देखिए अगर आपने उत्तराखंड ज्ञान कोश देखा है सीरीज को पूरा कोर्स था इकतीस भाग मैंने उसमें दिए थे तो आपको ये पता होगा अगर यह आपने ज्ञान कोश उत्तराखंड ज्ञान कोश ई बुक ली होगी तो वहां पे आपने पढ़ा होगा ठीक है तो भोटिया समुदाय में देखिए अर्जी होता है दोस्तों एक सामिस व्यंजन सामिस व्यंजन का मतलब यहां पे हो गया नॉनवेज फूड ठीक है नॉनवेज फूड होता है ये इसमें क्या किया जाता है जो बकरे की आँते होती हैं दोस्तों ठीक है इंटेस्टाइन होती है जो बकरे की उसको साफ किया जाता है पहले फिर उसके अंदर मसाला भरा जाता है स्वादिष्ट मसाले को भरा जाता है और उसके बाद उसको भून के खाया जाता है देखने में बड़ा ही अजीब लगता है ऐसे सर्पाकार क्योंकि आंतों के अंदर मसाला भरा रहता है इसी को भोटिया लोग बोलते हैं अर्जी और बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा फेमस है वहाँ पे और बहुत ज्यादा उनका फेवरेट होता है ये ठीक है अगला देखिए सुशील वाद्य यंत्र जोया मुरली को राज्य में किस नाम से जाना जाता है तो जोया मुरली होती है देखिए जोया का मतलब होता है जुड़वा ठीक है जोया का मतलब होता है जुड़वा ट्विंस तो ट्विंस बांसुरी की आ, होती है जो उसको राज्य में किस नाम से जाना जाता है देखिए मैंने उत्तराखंड के वाद्य यंत्र आपको पूरी एक यहाँ पे वीडियो दी थी जहाँ पे मैंने इन सभी को दिखाया था आपको चित्र भी दिखाई थे मैंने आपको साथ ही उनकी व्याख्या भी की थी ठीक है उसी में जोया मुदली भी मैंने आपको बताया था जोया का मतलब होता है जुड़वा तो जुड़वा मुदली को राज्य में जाना जाता है अलगोजा नाम से ठीक है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अलगोजा नाम से जानते हैं इसको हम ठीक है और देखिए प्रायः जो अलगोजा होता है या जोया मुदली होती है इसको कौन बजाता है तो इसको पशुचारक बजाते हैं पशुचारक वर्ग में ये बहुत ज़्यादा फेमस है ठीक है पशुचारक नेक्स्ट है देखिए कुमाऊं का स्वर्ग काल किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गोल्डन एरा ऑफ कुमाऊं यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है कुछ बुक्स में हेनरी रेमजे दिया गया है और कुछ बुक्स में इसका जो आंसर है वो है बैटन ठीक है तो यहाँ पे जो राइट right आंसर है दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रीवियस एग्जामों में जब ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड के तो वहाँ पर बैटन को सही बताया गया है कुमाऊं का काल जो है गोल्डन एरा ऑफ कुमाऊँ वो बैटन को कहा जाता है क्योंकि देखिए मैंने आपको ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल में बताया है जब बैटन कमिश्नर बन के आया था उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रशासनिक और सामाजिक सुधार कार्य हुए थे ठीक है सोशल वेलफेयर के बहुत से कार्य हुए थे इस वजह से बैटन को कुमाऊँ का काल कहा जाता है बैटन के टाइम पीरियड को लेकिन ये भी अगर कुमाऊँ कमिश्नरी की बात होती है अगर क्वेश्चन ये बनता है

जो कृषि क्षेत्र है उसमें उसके छः प्रतिशत हिस्से में गन्ने की खेती होती है ठीक है शुगर केन की तो शुगर केन की खेती कुल कृषि क्षेत्र के सिक्स परसेंट में होती है छः प्रतिशत अगला देखिए स्वतंत्रता सेनानी भैरवदत्त दत्त धूलिया जी का निजी पेशा क्या था तो देखिए भैरवदत्त दत्त धूलिया जी का मैंने हाल में ही आपको वीडियो दिया था ठीक है उत्तराखंड की महान विभूतियों में मैंने बताया था उनका क्या योगदान रहा था उत्तराखंड की जो घटनाएं उसमें हुई थी स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन हुए थे और दूसरा उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा था पत्रकारिता में ठीक है जो कर्म भूमि पत्र आया था तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी दुलिया जी की और इसके साथ साथ इनकी एक पुस्तक भी निकली थी नाइनटीन में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पुस्तक का नाम था अंग्रेजों को भारत से निकाल दो और इनका निजी पेशे की मैं बात करूँ तो दोस्तों इन्होंने देखिए मैं आपको बता चुका था ज्योतिष और उसमें संस्कृत में इन्होंने आचार्य की दीक्षा ली थी उसके बाद इन्होंने एज ए टीचर काम किया था बनारस में ठीक है तो इनका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है शिक्षक थे ये निजी पेशा बाद में अगर बात करूँ तो बाद में देखिए इन्होंने कार्य किया किसके रूप में संपादक के रूप में यानी कि फिर ये पत्र से जुड़ गए तो संपादन का कार्य किया तो एक हिसाब से हम लेखक या बोल सकते हैं हम पत्रकार भी बोल सकते हैं इनको ठीक है लेकिन ऑप्शन में पत्रकार है नहीं तो पहले जो उनका पेशा रहा शिक्षक का रहा था तो शिक्षक करेंगे पे इसका आंसर अगला देखिए किस पुराण में बद्रिका आश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है तो बद्रिका को कौन से पुराण में बोला गया है गंगा तटस्थ तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी वामन पुराण ठीक है यहाँ पे ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन तो वामन पुराण में बोला गया है दोस्तों बद्रिका आश्रम को गंगा तटस्थ शब्द महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन है देखिए उत्तराखंड का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है यह भी महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन है देखिए मैंने आपको बताया था जब पंवार वंश हमने पढ़ा था अन पर किसको उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है और क्यों कहा जाता है पूरी रीजन मैंने क्लियर की थी वहाँ पे ठीक है तो उत्तराखंड का नेपोलियन बोला जाता है दोस्तों अजय पाल को ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अजय पाल को इसलिए उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि पहली बार इसने ही गढ़वाल के बावन गढ़ों का एकीकरण किया था ठीक है और गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई थी इसलिए अजय पाल को उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है और अजय पाल को उत्तराखंड का अशोक भी कहा जाता है उत्तराखंड का आदि पुरुष भी कहा जाता है बहुत से उपनाम हैं यहाँ पे अजय पाल जी के अगर आप देखना चाहते हैं तो पर जाइए पे वंश का इतिहास जरूर देखिएगा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगला क्वेश्चन देखिए एन इन्वेस्टिगेशन इनटू टू दिलेजे साइड इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है एन इन्वेस्टिगेशन इन टू विलेजर्स राइट्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊ ये रिपोर्ट आई थी दोस्तों देखिए जो 19वीं बीसवीं सदी का आरंभ रहा दोस्तों बीसवीं सदी के आरंभ से उत्तराखंड में जो जंगलात व्यवस्था रही वो कॉन्ट्रोवर्सियल रही यहाँ पे तरह तरह के आंदोलन हुए इनको देखते हुए फिर 1931 में वन पंचायतों का गठन हुआ था दोस्तों ठीक है उसके बाद भी यहाँ के लोगों को कुछ खास राहत नहीं मिली तो इन्हीं मुद्दों पर इन्हीं बिंदुओं पर एक यहाँ पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी एन इन्वेस्टिगेशन इन टू विलेजर्स राइट्स इन दीजर्व ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊ नाइनटीन में ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उन्नीस में प्रकाशित हुई थी ये रिपोर्ट लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त प्रांत के पहले फॉरेस्ट कंजर्वेटर कौन थे तो देखिए मैं हमेशा क्वेश्चन में भी की पॉइंट देता हूं आपको संयुक्त प्रांत के जो पहले फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे वो अट्ठारह में नियुक्त हुए थे मैंने वर्स भी आपको दिया है क्वेश्चन के अंतर्गत ही ताकि आप याद रख पाए तो पहले जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर या वन संरक्षक बने थे प्रमुख पूरे संयुक्त प्रांत के तो ये थे मेजर पीपर्सन ठीक है ऑप्शन है इसका सही आंसर है मेजर पीपर्सन ओके गाइज तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जी के टेस्ट पार्ट फिफ्टी एट कितना आपका स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी हो है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैं आपको जल्दी ही रिप्लाई करूंगा ठीक है मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी अच्छी टॉपिक के साथ अच्छी वीडियो के साथ तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें अपना ध्यान भी रखें क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा आप अंदर से चार्ज रहेंगे तो अपना ध्यान रखना सबसे प्राथमिकता है उसके बाद आपका जो दूसरा कार्य होना चाहिए फोकस ऑन रिविजन बिकॉज एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का सो ऑल द बेस्ट गाइड जल्दी मिलता हूँ अपना ध्यान रखें जय हिंद